गाइज, बुलेट प्रूफ जैकेट के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा। ये हमारे देश के सोल्जर और जवानों के लिए सबसे अहम हथियार है, क्योंकि बुलेट प्रूफ जैकेट की खास बात ये होती है कि इसमें से गोली पार नहीं होती। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि मामूली से दिखने वाले इस बुलेट प्रूफ जैकेट में ऐसा क्या है जो सनसनाती तेज रफ्तार से आती बुलेट को भी रोक देता है और इसे पहने हुए व्यक्ति को कम से कम डैमेज होता है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बुलेट प्रूफ जैकेट के बारे में और 3D एनिमेशन के माध्यम से जानेंगे कि बुलेट प्रूफ जैकेट किस तरीके से काम करता है और इसे कैसे बनाया जाता है, बुलेट प्रूफ जैकेट का इतिहास क्या है और एक बुलेट प्रूफ जैकेट की कीमत कितनी है, और अगर आपको भी बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदना है तो इंडिया में आप इसे कैसे खरीद सकते हैं। लेकिन नए व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, बुलेट प्रूफ जैकेट को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाना होगा। तो शुरुआत में इंसान घायल होने और हमलों से बचने के लिए जानवरों की मोटी चमड़ी का इस्तेमाल करते थे। जैसे जैसे एडवांस हथियार आने लगे, वैसे वैसे सुरक्षा के साधन में भी बदलाव होते गया। फिर मनुष्य लकड़ी और धातु से बने कवच का इस्तेमाल हमलों से बचने के लिए करने लगे। सबसे पहले बुलेट प्रूफ जैकेट का आइडिया 15वीं सदी में आया। उस समय धातुओं की कई परत का इस्तेमाल करके कवच बनाया जाता था। गोली कवच को पार नहीं कर सकती थी, बल्कि उससे टकरा कर अपनी दिशा ही बदल लेती थी। इससे जैकेट पहने इंसान पर गोली का कोई असर नहीं होता था, लेकिन वे कवच इतने ज्यादा भारी होते थे कि इसे पहने हुए व्यक्ति काफी तेजी से भाग नहीं सकते थे। फिर 18वीं सदी में जापान में सिल्क से कवच बनाया गया। वे कवच असरदार तो थे, लेकिन काफी ज्यादा महंगे भी थे। फिर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान फ्लैग जैकेट का आविष्कार हुआ और इसमें बैलिस्टिक नायलॉन फाइबर का इस्तेमाल किया गया और ये जैकेट उस समय के बंदूक से बचने के लिए काफी था। लेकिन समय के साथ हथियार और भी एडवांस होते गए और उस समय के गोली इस जैकेट को आराम से भेद देता था। फिर 1960 में बड़े बड़े टायर बनाने के लिए केवलर नाम का एक फाइबर को खोजा गया, लेकिन यह फाइबर अनुमान से काफी ज्यादा मजबूत निकला। यह फाइबर वजन में हल्का होता है, लेकिन काफी मजबूत होता है, अपने समान वजन के स्टील से लगभग 5 गुना ज्यादा मजबूत। और आजकल के समय में इसी केवलर फाइबर को उपयोग करके बुलेट प्रूफ जैकेट को तैयार किया जाता है। अब आइए जानते हैं कि बुलेट प्रूफ जैकेट कैसे बनता है। दरअसल बुलेट प्रूफ जैकेट में 2 लेयर होते हैं। सबसे ऊपरी लेयर को सेरेमिक लेयर कहते हैं और दूसरी लेयर को बैलिस्टिक लेयर कहते हैं, जो अक्सर अंदर की ओर लगाया जाता है, और इन दोनों लेयरों को मिलाकर एक बुलेट प्रूफ जैकेट को तैयार किया जाता है। दरअसल केवलर जो है ना, वो एक तरह का प्लास्टिक ही है, और इस फाइबर का सबसे पहले एक महीन धागा वाला रील तैयार कर लिया जाता है। फिर उस धागे से बैलिस्टिक सीट यानी बैलिस्टिक चादर की कई परतें तैयार की जाती है। फिर उस बैलिस्टिक सील को कई परतों में जोड़ा जाता है और अंत में केवलर बैलिस्टिक पैनल को जैकेट में जरूरत के हिसाब से आगे और पीछे लगा दिया जाता है। इस केवलर फाइबर की खास बात ये है कि जब इस पर कोई बुलेट टकराता है तो यह बुलेट की सारी ऊर्जा को सोख लेता है और ऊर्जा को पूरे सरफेस में फैला देता है। अब आइए जानते हैं कि कैसे काम करती है बुलेट प्रूफ जैकेट। तो जब गोली बुलेट प्रूफ जैकेट से टकराती है तो यह सबसे पहले सेरेमिक लेयर से टकराती है और यह सेरेमिक लेयर बेहद मजबूत होता है, जिससे बुलेट का न्यूक्लियर हिस्सा टूट जाता है और वह छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है, जिससे गोली की रफ्तार और भेदने की क्षमता कम हो जाती है और जैकेट पहने हुए इंसान के शरीर के संपर्क में नहीं आ पाता। जब गोली सेरेमिक लेयर से टकराती है तब टुकड़ों में बिखर जाती है, तो उससे बड़ी मात्रा में निकलने वाली ऊर्जा को बैलिस्टिक प्लेट की दूसरी परत अवशोषित कर लेती है। इससे बुलेट प्रूफ पहने इंसान को कम नुकसान पहुंचता है। लेकिन अगर आपने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा है और आप पर गोली लगती है तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको किसी ने जोर से कस के मुक्का मारा है और आप धक्के से पीछे भी गिर सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि इंडिया में एक बुलेट प्रूफ जैकेट की कीमत क्या है। तो दोस्तों, बुलेट प्रूफ जैकेट की कीमत उसकी क्वालिटी और लेवल पर निर्भर करता है। इसकी प्राइस 45,000 रुपये से लेके 2.5 लाख तक हो सकता है। एक बुलेट प्रूफ जैकेट 2.5 किलोग्राम से लेकर 8 किलोग्राम तक वजनी हो सकता है। भारत में कानपुर, पलवल और फरीदाबाद जैसे शहरों में बड़े पैमाने पे बुलेट प्रूफ का कारखाना लगाया गया है। उम्मीद है दोस्तों, मैंने जो आपको जानकारी दिया बुलेट प्रूफ जैकेट के बारे में, आपको पसंद आया होगा। अगली एपिसोड में हम बात करेंगे कि क्या आम जनता और अपराधी एक बुलेट प्रूफ जैकेट और बुलेट प्रूफ गाड़ी को खरीद सकता है। देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लें। अपना विचार और सुझाव हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं और जाने से पहले इस वीडियो को कृपया एक लाइक करके